मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। दिल्ली यूपी समेत इन 26 राज्यों में बरसेंगे बादल, गुजरात से बंगाल तक होगी बारिश। ये रहा IMD का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश संभव है। केरल, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बरसात होगी। उत्तर भारत में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गत हफ्ते छिटपुट बारिश के बाद परिस्थितियां फिर से अनुकूल बन रही हैं। आने वाले दिनों में मॉनसून अपने पूरे शबाब पर दिखेगा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी मध्यम बारिश की संभावना है। यूपी के कई इलाकों में 4 से 5 दिनों तक गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मंगलवार को हल्की बारिश तो कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून सक्रिय है, जिसके कारण बुधवार को भी पूर्वी यूपी में आइसोलेटेड इलाकों में भारी बारिश और इलाकों में मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें फतेहपुर, चंदौली, मिर्जापुर, चित्रकूट, सोनभद्र, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इनके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है। तो वही हल्की बारिश का येलो अलर्ट गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, चित्रकूट, कौशाम्बी, आजमगढ़, बलिया, बांदा, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, प्रतापगढ़, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोंडा, बरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, ललितपुर, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, अम्बेडकर नगर और आसपास के इलाकों में शामिल है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों की रुकावट के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा 21 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे झमाझम बारिश होगी। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, शिवपुरी, दतिया, भिंड, श्योपुर कला, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी तरह खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर और बुरहानपुर में भी भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के बारा, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर में भारी बारिश, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, सीकर, टोंक में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बरसात का असर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान कहीं भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से कहीं भारी बरसात होने की संभावना है। बिहार के अन्य जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। आज बिहार कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं मॉनसून सक्रिय होने से बारिश में तेजी आई है। अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी, शिवहर, किशनगंज, दरभंगा, जमुई, बांका में भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में मॉनसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। हरियाणा में आज भी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई गई। कल इससे 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के हिस्सों में मौसम विभाग ने 3 दिन तक मॉनसून एक्टिव रहने की संभावना जताई है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।